टाइम आ गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जल्दी बैठो। हेलो एवरीवन, तो मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों की ट्यूशन टीचर आ गई हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैम जल्दी आ जाती हैं काफ़ी, और हम भी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। तो हम आ गए अपने किचन में, रात के बर्तन क्लीन हुए रखे हैं, टावल पे उनको रखना है जगह पे, और कुकर में बॉईल करें आलू, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने आलू के पराठे, और लंच में भी आज मैं यही बनाऊंगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाना आज मुझे मॉर्निंग में। मैं सोची कुछ और थोड़ा बड़ा काम करूँ घर का, तो इनको मैश करके रख देती हूँ, ये ठंडे हो जाएंगे। और इसके बाद का वीडियो मैंने शूट नहीं किया पराठे वगैरह बनाने का, क्योंकि उसके बाद श्रीजा की क्लास शुरू हो जाती है, तो फ़ोन उसके पास रहता है, और इतना ये मक्खन निकाल लेती हूँ और इसको भी पकने के लिए रख दूँगी। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद में मैं इस तरह के काम ख़त्म कर लेती हूँ तो सही रहता है, फिर शाम तक के लिए फ्री हो जाते हैं और कामों के लिए हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। देखो मैंने बस मैं वही कर रही हूँ, उसमें काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं ना, तभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखो ये पुरानी फ़ोटो है, ये हमारा बेटा है, मैं भी खुशू का भाई है ये। ये देखो कुछ दीदी कब कैसी लगती थी ना, कुछ छोटी थी ना बेटा तब। ये दे मौसी है ना, ये मौसी कोई है, ऐसी फोटो निकाल मौसी की जो सामने हो, है ना। वो सामने ही नहीं आई ना केक खिलाते हुए, नहीं आएंगे भी आज। कहाँ से मिल गया आपको ये कैमरा, तो बहुत पुराना कैमरा है हमारा, पापा ने दिखाया था कल, पापा ने कहा था इसकी बैटरी चार्जिंग पे लगा दे, सुबह देख लियो। कैसी लग रही हूँ, छोटे से आज बट आप इसमें 3.5 या 3 साल के मेरे पापा, पापा देखो जब पापा बिल्कुल हेल्दी थे ना, बीमार नहीं थे। देखो मैं दिखाती हूँ आपको अपने हस्बैंड की फ़ोटो, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं थे, वो कितनी सुंदर फोटो है ना पापा के दोस्त, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे हस्बैंड को। तो ओए मौसी खेरी, मौसी का बर्थडे आज पता है, आज 3 फरवरी है ना। देखो ये कहाँ गई मौसी, खो गई मौसी कहीं है ना, कितनी प्यारी लग रही है मौसी है ना। मम्मी के पास है खुशी और भैया भी है। सो गाइज अभी यहाँ पे मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रॉकरी यूनिट भी है और ये मेरे टीवी के नीचे का टीवी यूनिट भी है, इसी में क्रॉकरी वगैरह मैं रखे रहती हूँ, क्योंकि किचन मेरी काफ़ी छोटी है तो उसमें इतना सामान नहीं आ पाता। तो मैं जो मेरी कांच की प्लेटें वगैरह या फिर जो बाउल्स वगैरह जो भी हैं जो गेस्ट के आने पर निकालती हूँ या फिर जो ओकेजनली निकालती हूँ ना, तो वो ये सब यहाँ पे रखे रहती हूँ, जो डेली यूज़ के बर्तन है बस वही किचन में रखती हूँ। तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं हो पाई, वैसे मैं मंथली कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों को क्लीन करूँ बट इस बार नहीं हो पाया, तो वही मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी मैं सोची हूँ। इसीलिए मैं आज मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ लंच वंच का काम नहीं फैलाया कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो कल मैंने किचन अपनी क्लीन की थी, उसकी वीडियो अभी शेयर नहीं की आपके साथ, मैं करूँगी शेयर, वो वाली वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई है। और जो मेरे बेडरूम की जो जितनी भी हमारी सेफ वगैरह ना जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे रहते हैं, रात को वो सब किया था, जितने एक्स्ट्रा कपड़े थे सब उठा के रखे, जो नेसेसरी हैं बस वही बाहर रखे, क्योंकि जितनी चीज़ें बाहर हों सब फैली रहती हैं, और कांच की चीज़ें ज़्यादा बाहर निकली रहे तो टूटने का भी डर रहता है। तो ये मेरी कांच की प्लेटें वगैरह सब जगह पर मैं लगा रही हूँ और बस आज यही करूँगी। तो घर की चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन होती रहती हैं तो ठीक रहती हैं, और वैसे भी बर्तन या कपड़े जितने भी आप निकाल के बाहर रखो वो सब फैलते ही रहते हैं। तो मेरी जितनी भी नई क्रॉकरी है सबको उठा के ठीक से मैनेज करके रखूँगी, तो जब भी निकालते हैं तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब भी नहीं होती सही से रखी हुई हों तो। और अभी तो यही चल रहा था, कोई गेस्ट आया जल्दी से निकाल ली और फिर वो ऐसे ही रख दी, तो उसको सही से मैनेज कर रही हूँ आज। और ये मेरा एक LED का बल्ब है, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा लाइट रखती हूँ घर में, क्योंकि कभी कभी ख़राब हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने यही ट्रिक अपनाई है कि एक दो एक्स्ट्रा लाइट ला के रख लेती हूँ, तो कभी कहीं की ख़राब हो जाती है तो सही रहता है। तो बस मैं तो न्यूज़पेपर डालती हूँ उसमें, पहले मैंने इसमें रैक्सीन डाली हुई थी बट रैक्सीन का क्या है उसको हम जब वॉश करते हैं ना बड़ा झंझट रहता है, और न्यूज़पेपर तो निकालो और डिस्कार्ड कर दो, कचरे वाले को दे दो या कबाड़ी को दे दो ठीक रहता है। तो एक साइड में सारे कप वगैरह और मग्स वगैरह लगाऊंगी, और नीचे मैंने सारा जैसे डिनर सेट लगा दिया है, जितनी प्लेट्स हैं बाउल्स हैं छोटी क्वार्टर प्लेट्स हैं एंड जितना भी डिनर के या लंच के टाइम पे मतलब खाना खाने के टाइम पे यूज़ करने का सामान है, ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर और ये ड्रायर वगैरह, और ये देखिए थाली मैंने बनाई थी अपने भाई के लिए, भाई दूज के लिए,
और रक्षाबंधन के लिए, और एक मेरी पूजा की एक्स्ट्रा थाली है, मेरे करवा चौथ की थाली, ये सब मैं इसी में मैनेज करके रखती हूँ। और ये बड़े वाले थाल हैं जो मैं ओकेजनली निकालती हूँ, जैसे कोई फेस्टिवल है तो दो तीन सब्जियाँ एक साथ बनती हैं, हलवा और खीर वगैरह, तो उसमें ना इसमें सर्व करने में ईजी होता है, तो इसमें 5-6 डिवाइड है ना बाउल्स। और ये मेरी एक पूजा की एक्स्ट्रा थाली, जब घर में कोई पूजा वगैरह हो तब निकाल लेती हूँ। तो जितनी पूजा की थालियाँ हैं 3-4 इनको एक साथ रखूँगी, एक ये लिड है, तो सब चीज़ों को मैनेज करने से ये रहता है, उनको निकालने में भी ईजी रहता है, नहीं तो ऐसे ही भरी रहे ना और निकाल रहे हैं कुछ कुछ गिर जाए, टूट फूट जाती हैं फिर चीज़ें, तो स्ट्रेटनर ठीक से रखूँगी। और ये मेरा ड्रायर है, ये सब मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया हुआ था और मुझे काफ़ी सही रेट में पड़ गया था। ये मेरा एक एक्स्ट्रा है, बोरोसिल के ग्लासेस हैं, इसमें अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ है, उसको मैंने पैक करके रखा है, अभी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ओपन भी नहीं किया। तो ये मेरी बड़ी वाली बोतल है मिल्टन की, गर्म पानी या चाय कहीं पे ले जानी हो, क्योंकि हम लोगों को पहले दिल्ली जाना पड़ता था हॉस्पिटल बार बार हस्बैंड के चेकअप कराने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होती हैं ये चीज़ें, तो अभी मैंने इसमें रखी, अभी जाना तो ऐसा होता नहीं। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरा क्लीन हो गया क्रॉकरी यूनिट। और ये जो 3 बॉटल रखी है ना, ये मेरे DIY हैं। और ये साइड में जो प्लांट रखा है ये भी मेरा फेक प्लांट है, किसी ना आप अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 12:00, तो मेरा घर का काम ख़त्म भी हो गया है लगभग सारा, और अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। अभी मशीन पे कुछ कपड़े पड़े हैं, ये सक्षम का फ्रेंड आता है मिठू, वो अपनी जैकेट यहीं छोड़ गया था, वो रखी हुई है उसकी भिजवानी है। तो आज दिन है, आज 3rd February है, और आज का दिन बहुत ख़ास है दोस्तों, बहुत अच्छा दिन है। अब ये नहीं पता कि आज का दिन खुश हूँ कि दुखी हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि देखिए खुशी और जो दुख होते हैं ना, वो हम अपने आप नहीं क्रिएट करते, वो हमारे अंदर से ही आते हैं। कुछ बहुत सी डेट ऐसी होती हैं जो हमको बड़ी बेचैन और बड़ी तड़पा के जाती हैं। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्टोरी ऐसी होती है कि मतलब कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनमें वो बहुत परेशान हो जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें वो बहुत खुश रहता है। तो आज का जो दिन है ना, कुछ सालों पहले ये बहुत खुशी का दिन हुआ करता था हमारे लिए ना, बट आप खुशी हो, खुशी मनाएं क्या, दुख मनाएं कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। आज 3rd February है, आज मेरी दीदी का बर्थडे है, अच्छा दिन है, दीदी का बर्थडे है, बट दीदी ही नहीं है। तो खुशी की मम्मा, मैंने आपको बताया था उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और आज मेरी दीदी का बर्थडे है। और मुझे याद है ये वाला दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास होता था। देखिए होता ही है, भाई बहनों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, किसी और को हो ना, मम्मी पापा को, भाई बहनों को, अपने बच्चों को बहुत रहता है कि आज हमारा बर्थडे है। तो मुझे याद है आज के दिन जब मेरी दीदी का बर्थडे था, जब मेरी दीदी की शादी होने वाली थी ना, और शादी से पहले वाला बर्थडे था, तो मेरी दीदी की जब शादी भी फरवरी में ही हुई थी, तो कुछ दिन बाद दीदी की शादी होने वाली थी, तो मेरा भाई छोटा निखिल और मैं, हम दोनों रहते थे तब मम्मी के पास, और दीदी रहती थी, और भैया, बड़े भैया जो थे वो जॉब पे चले गए थे बाहर, बड़ी दीदी की भी शादी हो गई थी। तो हम लोगों ने, मतलब हम लोग दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए रात के 12 बजे पूरा रूम डेकोरेट किया, उसके लिए गिफ्ट लाए, चॉकलेट वॉकलेट रखी, और दीदी को सरप्राइज़ दिया। और फिर बाद में मॉर्निंग में दीदी को हमने कुछ काम नहीं करने दिया, और दीदी के लिए लंच मैंने बनाया। तब तो मैं छोटी थी, मैं लगभग ऐसे ही थी 12, मतलब BA, हाँ ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, मैंने BA प्रीवियस में थी शायद मैं, हाँ। तो मैंने फिर दीदी के लिए दम आलू बनाए, तब आता नहीं था इतना कुछ बनाना, लेकिन जितना मेरे से हो सकता था हमने किया उनके लिए, बस ये उनको खुश करने के लिए, और वो बहुत हैप्पी थी उस दिन, बहुत हैप्पी थी। तो वो सब बातें याद आती हैं, और बहुत याद आती है उनकी। तो कुछ डेट हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना कि मतलब उनमें हमें समझ ही नहीं आता कि खुश हों कि दुखी हों कि क्या करें। कुछ इंसान हमें ऐसे टाइम पे छोड़ के, देखिए एक दिन जाना तो सभी को है, रहना तो किसी को नहीं है, एक दिन सबको ही जाना है इस दुनिया से। लेकिन जब कोई ऐसे चला जाता है ना, मतलब देखिए जब हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो कहते हैं उनको मुक्ति मिल गई, उनको उन्होंने अपना जीवन जी लिया, सारे वो पूरे कर लिए, लेकिन एकदम अचानक से जब कोई इंसान चला जाए, वो भी इतनी कम उम्र में, तो बहुत दुख होता है। तो वो मेरी दीदी, तो पता है शादी के बाद कभी उनको इतना टाइम नहीं मिला कि कहीं घूमने जाए, तो पहली बार जी दीदी और बच्चे कहीं घूमने गए थे इधर ऋषिकेश साइड में, और वहाँ से आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था, और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। दीदी, दीदी का बेटा, एक नंद का बेटा,
तीन लोगों की डेथ हो गई थी और खुशी को बहुत चोट आई थी, खुशी के पापा को बहुत चोट आई थी। अब खुशी पापा के पास रहती है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब मुझे दीदी की इतनी याद आती है और उसका बर्थडे और इतनी याद आती है, तो उस बच्चे को कितनी याद आती होगी, है ना। तो बस बहुत मुश्किल हो जाती है। और अभी श्रीजा ने कैमरा रखा हुआ था, मैं कैमरा वो कम ही उठाती हूँ, मैं उस कैमरे को ज़्यादा उठाती नहीं, उसमें पुरानी फ़ोटोज़ हैं, उनको देख के फिर मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। तो कल मैं अपनी जो अंदर वाली सेफ है कपड़ों की, उसको ठीक कर रही थी, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको उठा के मैं रख रही थी, तो वो कैमरा श्रीजा को हाथ लग गया और उसमें फ़ोटो है पुरानी पुरानी, वो देख रही थी, दिखा रही थी मम्मा मम्मा, उसमें से उसने कुछ खुशी को भी सेंड की। तो बहुत कुछ दिन बहुत मतलब लाइफ में कुछ बहुत अजीब हो जाते हैं, ज़िंदगी बहुत अजीब हो जाती है उन चीज़ों की वजह से, और अपने चले जाते हैं लेकिन हम उनको भूल नहीं पाते, उनको याद कर करके तड़पते रहते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, ज़िंदगी बहुत अजीब है ज़िंदगी ना, हम सोचते हैं कि हमारी इनके बिना चल नहीं पाएगी, लेकिन ज़िंदगी तो चलती जाती है, खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, और हंसते हम इसलिए हैं कि हम लोगों को टेंशन रहती है कि अगर हम दुखी रहेंगे तो जो हमारे आसपास के हमारे अपने हैं वो दुखी हो जाएंगे, तो सिर्फ इसलिए कि वो परेशान ना हो हमारी वजह से तो हम हंसते भी हैं। कितनी अजीब होती है ना ये लाइफ। अभी मैं बैठी हुई थी, अभी मैं सोच रही थी मेरी दीदी होती तो हम आज बर्थडे मनाते, कितना कुछ करते। और वो बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। वो बहुत मतलब कभी कभी हम दोनों बहुत झगड़ा भी करते थे, वो सब याद आता है। भाई बहनों में होता ही है, मेरे भाई में, मुझ में, दीदी में हो जाता था कभी कभी झगड़ा, इसी वही बस चीज़ें याद आती हैं। तो बस आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, आलू के पराठे बनाए थे, और अभी लंच में भी एक एक पराठा बच्चों के लिए वही बनाऊंगी। हस्बैंड जब आएंगे तो हस्बैंड को तो दिन में एक डाइट एग वगैरह खाने पड़ते हैं, डॉक्टर ने उनको बताया है कि प्रोटीन वाली डाइट उनको ज़्यादा लेनी पड़ती है क्योंकि उनके डायलिसिस चलते हैं, तो वो तो अपना एग वगैरह ही बॉईल करके खाएंगे। तो बस यही आज का मेरा ब्लॉग रहा, अब क्या करूँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश हमेशा इसलिए करती हूँ कि मतलब कभी किसी चीज़ में, कभी कोई DIY बना लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कहीं चली गई, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम खाली रहती हूँ तो फिर कुछ कुछ सोचती रहती हूँ, दिमाग अपना ख़राब करती रहती हूँ, और उससे भी कुछ फ़ायदे होने वाला तो है नहीं, क्योंकि जो चले जाते हैं वो कभी लौट के आते नहीं, और हम उनको याद कर करके दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और ये रियलिटी है कि ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन उसकी याद नहीं जाएगी, वो कभी भूली नहीं जाएगी। और ये हालत मेरी नहीं, मेरी फैमिली हर एक मेंबर की है। और इसी गम में मेरे पापा लास्ट ईयर चले गए, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, और जब से मेरी दीदी की डेथ हुई थी ना, मेरे पापा बस हमेशा यही बोलते रहते, हे ईश्वर तुमने क्या कर दिया, हे ईश्वर तूने ये क्या कर दिया। देखिए जेंट्स लोग जो है ना वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट वो ना बहुत मुझे लगता है वो लेडीज़ से भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और वो कहते नहीं बस उस बात को, अंदर अंदर तड़पते रहते हैं। वही मेरे पापा की हालत रहती थी, और मेरी मम्मी को भी कितनी याद आती होगी ना उनकी, अपने बच्चे को खोना बहुत मुश्किल होता है। बस यही, और बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मेरी बहन जहाँ भी हो, ईश्वर इस बार उनको एक लंबी उम्र दे, इतनी छोटी उम्र ना दे, इतनी जल्दी इस दुनिया से वो चली गई, वो मेरे से ऐसे ही बड़ी होगी, वो 3 साल बड़ी होंगी मेरे से, बस तो इतनी जल्दी एज में वो चली गई। तो जहाँ भी उनको जहाँ भी जन्म मिला, अब तो उनको गए हुए भी 5 साल हो गए, तो अब तक तो 5 साल की भी हो गई होंगी, तो जहाँ भी वो हों इस दुनिया में, बस ईश्वर इस बार उनको लंबी उम्र देना, बहुत खुशी देना उनको, बहुत ही हैप्पी रहें वो जहाँ भी रहें, बस यही। और जहाँ भी हो ना, हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत सारा बर्थडे की प्यार, मैं तो छोटी हूँ प्यार ही दूँगी अपनी बड़ी बहन को। पहले जब दीदी की डेथ हुई थी, खुशी और मैं दोनों मिलके एक साथ आँख बंद करके बोला करते थे हैप्पी बर्थडे दीदी, मैं बोलती थी, तू बोलती थी हैप्पी बर्थडे मम्मा, हम दोनों ऐसे बोलते थे, हमको ये लगता था वो जहाँ भी होगी वहाँ सुन रही होगी, क्योंकि हमारी जो छोटी बहन हो बड़ी बहन होती है ना, वो हमारे लिए जैसे खुशी की मम्मा थी, वो तो मेरे लिए भी वो कभी कभी बिल्कुल मम्मी वाला रोल अदा करती थी, कुछ गलती कर देती थी डांटती थी, कुछ गड़बड़ हो जाती थी काम में, कहती थी दीदी ऐसे हो गया, वो हेल्प करती थी, कभी कभी बहुत गुस्सा करती थी, कभी कभी बहुत प्यार करती थी, कभी पिटाई भी लगा देती थी, लेकिन अब याद आती है क्या करें। तो चलिए बस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आज कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, कल को एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आपके सामने आऊँगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, सब खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, आप भाई बहन
रहने बहने पेरेंट्स के साथ में सब खुश रहो, क्योंकि हमारे जो अपने होते हैं ना वो अनमोल होते हैं, उनसे कीमती और कुछ नहीं होता। बाय बाय।